2014 में एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम हो देश में, जिससे कि लूटा हुआ काला धन देश को मिले, आगे से देश लूटे नहीं, भ्रष्टाचार हो नहीं, आर्थिक सामाजिक न्याय देश को मिले और इन भोंदों और पप्पों की जगह देश का शासन महानायकों के हाथों में हो, जो इस देश को दोबारा से वही विश्व विजेता की स्थिति में ले जा सके। आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है यद्यपि, लेकिन देश के युवाओं की और देश की जनता की जो आशा है और विश्वास है, उसका बीजेपी आदर करेगी। आदरणीय आडवाणी जी भी उसका सम्मान करेंगे, ऐसा में विश्वास है। जिस तरह का आडवाणी जी का रवैया, देखिए काला धन को वापस भारत में आने में कितना समय और लगेगा? अरे भैया देखो भाई, काला धन वापस लाने के लिए एक साहसी शासक चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि काले धन के जो चोर हैं वो बहुत ताकतवर हैं, उनकी राजनीति से लेकर के ज्यूडिशरी और ब्यूरोक्रेसी से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बहुत बड़ी ताकत है, और उनसे लड़ने के लिए एक महायोद्धा चाहिए, जो कि मोदी के रूप में हो सकता है। यदि वो सत्तासीन होता है तो मात्र 100 दिनों में काला धन वापस आने का रास्ता सकता है। वैसे ज्यादा का ही काला धन वापस बाहर से आ सकता है, और करीब 900 लाख रुपए तो देश के अंदर इलीगल गोल्ड में, इलीगल माइनिंग में, इलीगल लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ड्रग्स में, पॉलिटिक्स में, तमाम काले धंधों में जो काला धन लगा हुआ, वो देश को मिलने से देश बहुत आगे बढ़ सकता है। सर, आज 2014 के चुनाव में भारत स्वाभिमान जो है क्या भूमिका निभाएगी? भारत स्वाभिमान की भूमिका इन बुरे लोगों का राज खत्म और अच्छे लोगों का राज आए, उसके लिए भूमिका। राहुल गांधी की सभा हुई है, मोदी जी की सभा हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मायना रखता है आपके लिए? ठीक है, राहुल गांधी अभी मोदी के सामने बच्चा है। स्वामी रामदेव के स्वागत के लिए इतने लोग जो यहाँ पर आए हैं, और निश्चित ही सत्ता बदलने में स्वामी रामदेव जी का पूरा योगदान रहेगा ऐसा लगता है।